सुरक्षित इंजेक्शन लगाने के 6 मुख्य चरण हैं। इंजेक्शन लगाने की तैयारी, सीरिंज में दवा भरना, इंजेक्शन लगाने की जगह का निर्धारण, त्वचा की तैयारी, इंजेक्शन लगाना और आखिर में सीरिंज व सुई का सुरक्षित निपटान। किसी भी प्रकार के इंजेक्शन को सुरक्षित इंजेक्शन बनाने की तैयारी के चरण 1 से ही हैं। दवा का पर्चा देखकर इंजेक्शन निकालें और दवा की जांच करें। दवा की एक्सपायरी डेट की जांच महत्वपूर्ण है। वायल में दवा पाउडर के रूप में है तो विलायक यानी डाइल्यूएंट की आवश्यकता होगी। इंजेक्शन निर्माता द्वारा प्रस्तावित डाइल्यूएंट का ही प्रयोग करें, वरना कोई भी नुकसान हो सकता है। हाथ धोना। इंजेक्शन लगाने से पहले अपने हाथों को 6 गोल्डन स्टेप के अनुसार साबुन से धोएं। साबुन की टिक्की के बजाय द्रवित साबुन यानी लिक्विड सोप का प्रयोग करना ज्यादा उचित है। हाथ धोने की प्रक्रिया में प्रत्येक क्रिया 5 बार अवश्य करें। पहले हथेलियां, हाथों को पीछे से धोना, उंगलियों के बीच में, अंगूठों को धोना, नाखूनों को धोना और कलाइयों को धोना। हाथों को सुखाने के लिए हाथों को एयर ड्राई करें, यानी अपने हाथों को ऊंचा करके रखें और हवा में सूखने दें। हवा में हाथों को सूखने में लगभग 1 मिनट का समय लगता है। इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के लिए ग्लव्स पहनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर साधारण ग्लव्स यानी क्लीन ग्लव्स उपलब्ध हों तो उन्हें पहन लें। अगर स्वास्थ्य कर्मचारी के हाथ में कोई चोट या त्वचा पर कोई संक्रमण हो तो ग्लव्स अवश्य पहन लें। हाथों को धोने, सुखाने या ग्लव्स पहनने के बाद गंदा ना करें और गंदी सतहों से ना छुएं। सीरिंज का चुनाव। दवा की मात्रा के अनुसार सीरिंज का चुनाव करें। आमतौर पर टीकों के लिए या जांचों के लिए कम मात्रा में जैसे कि 0.5 मिलीलीटर दवा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के इंजेक्शनों के लिए 5 मिलीलीटर या 10 मिलीलीटर की सीरिंज का इस्तेमाल करें तो दवा ठीक से नहीं माप सकते। इसके लिए 1 मिलीलीटर वाली सीरिंज ठीक है। सीरिंज 2 प्रकार की आती हैं। एक साधारण किस्म की जिसके प्लंजर को बार बार आगे पीछे किया जा सकता है। ये एक एडी सीरिंज है यानी ऑटो डिसेबल सीरिंज। इस सीरिंज के प्लंजर को एक बार बाहर खींचा जा सकता है और एक ही बार भीतर की ओर धकेला जा सकता है। दोबारा बाहर खींचने पर प्लंजर टूट जाता है, यानी इस सीरिंज का प्रयोग एक ही बार किया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, इस्तेमाल के बाद इसकी सुई और हब को काट देना आवश्यक है। सुइयां भी विभिन्न लंबाई व मोटाई की आती हैं। एक निश्चित लंबाई और मोटाई के लिए रंग निश्चित किए गए हैं। इस छोटी सुई से इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता। ये सुई इंट्राडर्मल या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के लिए उचित है। सुई की गेज का चुनाव भी आवश्यकता अनुसार करना चाहिए।
यहाँ ये भी जरूरी है कि हम देखें कि सिरिंज की पैकिंग कैसी है, कहीं से कटी फटी तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पहले से ही इस्तेमाल की गई सिरिंज है। सिरिंज की एक्सपायरी डेट की भी जांच करें। किसी भी प्रकार से असुरक्षित सिरिंज का प्रयोग ना करें और असुरक्षित सिरिंज की जानकारी अपने प्रशासन को अवश्य दें।